नहाते समय एक मजदूर डूब गया जिसकी तलाश गोताखोरों के द्वारा पुलिस करवा रही है। जालौन के कैलिया थाना अंतर्गत गांव पिपरी कला नहर में नहाने गया युवक डूबकर लापता हो गया। काफी देर तक खोजने पर नहीं मिला। परिजनों की सूचना पर तहसीलदारी में थाना पुलिस मौके पर पहुंचे। गांव पिपरी कला में बीते 2 माह से मुंगिया समूह के कुछ मजदूर गांव में डेरा बनाकर रह रहे हैं। शुक्रवार की शाम 40 वर्षीय युवक खो पुत्र मलखान सिंह निवासी डूडी थाना एरत जिला झांसी नहर में नहाने के लिए गया, जो ज्यादा गहराई में बाली जगह पर जाकर लापता हो गया। नहर में पहले से नहा रहे लोगों ने उसे काफी ढूंढा लेकिन वह नहीं मिला। सूचना पाकर मौके पर तहसीलदार वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता, थाना अध्यक्ष नीलम सिंह, SI अश्विनी कुमार ने नहर में जाल बिछाया और लापता युवक को खोजने के लिए रेस्क्यू शुरू कर दिया। युवक की पत्नी नजरबाई ने बताया वह ग्रामीण क्षेत्र में अपने बच्चों के साथ चूड़ियां या मजदूरी करने के लिए हर वर्ष आते हैं। उसके 3 पुत्र 4 पुत्रियां हैं। तहसीलदार का कहना है युवक को ढूंढने के लिए कर्मचारी पुलिस को बुलाया गया, जाल बिछाया जा रहा है, गोताखोरों को भी नहर में उतारा गया है। हरिओम बुधौलिया, जालौन, समाचार 24। नहर में लड़का डूब गया सर, क्या है सर पूरा मामला? कुछ लोगों द्वारा बताया गया था कि यहाँ कुछ लोग जो सड़क निर्माण हो रहा है उसमें झांसी को कुछ मजदूर यहाँ काम कर रहे हैं, उसी में से कुछ कोई व्यक्ति यहाँ स्नान कर रहा था, फिर वो अचानक उसका पैर या जिस तरह से वो फिसल के वो नदी में नहर में चला गया। फिर उसको बचाने का प्रयास किया गया लेकिन वो बाद में वो फिर वो मिल नहीं पाया वो। ठीक सर, उसकी खोज हम लोग कर रहे हैं और चारों तरफ जो है जाल पड़ी हुई है, जाल डलवा दिया गया है कुछ कुछ जगहों पे। लाश अगर जो नहीं मिलती है तो कल SDRF को बुला करके लाश ढूंढवाने का प्रयास किया जाएगा। बाकी हम लोग यहाँ बाकी पुलिस के लोग भी लगे हुए हैं यहाँ पे। ठीक सर।